हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन। इसमें हम जानेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, इसके बेस के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे कि न्यूमेरिकल इसको कैसे किया जाता है। जनरल गैस इक्वेशन होती है वो, ये इक्वेशन आपको लिखी हुई है इस टाइप से। इक्वेशन जो जनरल गैस इक्वेशन होती है वो होती है मेनली क्या, पी वी अपॉन टी। ये इक्वेशन होती है जनरल गैस इक्वेशन। इसमें हमारे पास अलग अलग कंडीशन पे आती है। जैसे वन के लिए हम करेंगे तो पी वन वी वन अपॉन टी वन लिख देंगे, सेकंड के लिए करेंगे तो पी टू वी टू अपॉन टी टू कर देंगे, थर्ड के लिए करेंगे तो पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री करेंगे। तो ये कंडीशन करते हैं स्टेट बाई स्टेट, कितने स्टेट में हम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से। अगर हम फर्स्ट स्टेट में ले रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट स्टेट में ले रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा पी वन वी वन अपॉन टी वन। अगर सेकंड स्टेट में ले रहे हैं तो इसमें आ जाएगा, सेकंड स्टेज में आ जाएगा पी टू वी टू अपॉन टी टू। थर्ड स्टेज में ले रहा है तो पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री। जहां पर आपको मालूम है कि पी जो होता है वो होता है प्रेशर से डोनोट करते हैं, वी जो होता है वो वॉल्यूम से डोनोट करते हैं, और टी वन होता है टेम्परेचर होता है। तो आपके पास ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में कंडीशन में हम ले रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको दो कंडीशन दिया है तो फार्मूला लगेगा पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू, ये वाला लगेगा पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। अगर तीन कंडीशन में है तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री। तो स्टेज बाई स्टेज पोजिशन पर डिपेंड करता है कितने स्टेज पे आप ले रहे हो उसमें। तो गैस इक्वेशन जो होती है अलग अलग स्टेज पे होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कितनी भी स्टेज हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी स्टेज पे बताएगा। तो आपका जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है, आपको अगर कोई पूछता है जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला क्या है तो गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री। अब इसके बेस के हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, हम इसको समझेंगे, इसके द्वारा न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, क्वेश्चन दिया है अ गैस अ कॉपीज अ वॉल्यूम ऑफ 0.1 मीटर बेस टू क्यू एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इट इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर ऑफ 7.5 बार एंड अ कॉपीज अ वॉल्यूम ऑफ 0.04 मीटर बेस टू क्यू। अब इसमें क्या होता है मेन, आपको सबसे पहले इसमें ये है कि ये देखना है कि आपके न्यूमेरिकल में कितनी स्टेज कंडीशन दी हुई है। तो आपको इसमें देख रहे होगे एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, एक फाइनल कंडीशन दी हुई है। तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का मतलब ये होता है आपको एक फर्स्ट पोजिशन दी हुई है और एक सेकेंड पोजिशन दी हुई है। तो एक फर्स्ट पोजिशन में लेना है, एक सेकेंड पोजिशन में। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ एक गैस है जिसमें हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 मीटर बेस टू क्यू, ये फर्स्ट पोजीशन में दिया है, मतलब वी वन इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर बेस टू क्यू दिया है। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टी वन इक्वल टू दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर दिया है 1.5 बार, मतलब पी वन इक्वल टू दिया है 1.5 बार। अब इसमें हमको निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, मतलब आपको टी टू कैलकुलेट करना है। If it is compressed to a pressure 7.5 bar, अगर हमको प्रेशर सेकंड वाला का प्रेशर जो दिया है, मतलब P2 दिया है 7.5 bar, and a copy of volume of 0.04 meter base to Q, मतलब अगर volume V2 equal to 0.04 meter base to Q दिया हो, तो इसमें हमारे पास हमको निकालना क्या, T2 निकालना, final temperature निकालना। इसी के आधार पे हम given लिखेंगे, तो given लिखेंगे, तो given हमको question में दिया है, सबसे पहले दिया है ये वाली position, तो इसके लिए हम क्या है वॉल्यूम दिया है, तो मतलब वी वन इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर बेस टू क्यू, ये आपको गिवन में दिख रहा होगा। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टी वन इक्वल टू दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अब इसको क्या होता है, इसमें हम लोग जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन में डोनेट करते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ। तो केल्विन में क्या होता है, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे। जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं उसको 273 से हम ऐड करते थे, जोड़ देते, तो हो जाएगा 20 प्लस 273, मतलब 20 प्लस 273 करेंगे तो आ जाएगा 293 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड को क्या किया, केल्विन में चेंज किया, तो हमारे पास टी वन इक्वल टू हो गया 293 केल्विन। इसके बाद हमारे पास ये तो आपने गिवन में लिख लिया वी वन इक्वल टू 0.1 मीटर बेस टू क्यू, टी वन इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसको चेंज कर दिया तो हो गया 20 प्लस 273 293 केल्विन। पी वन इक्वल टू दिया है 1.5 बार, ये 1.5 बार पी वन। अब क्या होता है आपको एक चीज मालूम है, वन बार इक्वल टू होता है, अगर न्यूटन पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है जो, तो वन बार इक्वल टू होता है 10 बेस टू 5 द
10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 बार इक्वल। तो इसको हमने जब बार बार इसको बार को में चेंज करें तो हमारे पास ये इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर हम 0.15 के फॉर्म में लिख देंगे तो 10^6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया है 0.15 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको 1.5 बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज किया हुआ है, तो इसको क्या है 10, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.15 इंटू 10^6। तो आप कोई भी तरीके से देखो एक ही वैल्यू है, तो आप इसमें 0.15 इंटू 10^6 कर दिया। P2 दिया है, ये दिया है P2 7.5 बार, P2 दिया है 7.5 बार, तो इसको हम इसको भी उसी टाइप से लिख दिया 0.75 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 हमारे पास ये दिया है 0.04 मीटर वेस्ट टू क्यू, तो V2 इक्वल टू 0.04 मीटर वेस्ट टू क्यू, ये हमने गिवन लिखा हुआ है। गिवन में अब हम इसको एक बार और समझ लेंगे अच्छे से। पहला जो वॉल्यूम दिया हुआ 0.1 मीटर वेस्ट टू क्यू, तो हमने ये लिख दिया 0.1 मीटर वेस्ट टू क्यू। T1 हमारे पास दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने इसमें लिख दिया T1 इक्वल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको चेंज किया 20 प्लस 273 293 केल्विन। प्रेशर दिया है 1.5 बार, यहाँ लिख दिया P1 इक्वल टू 1.5 बार, तो इसको कर दिया 0.15 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें हमारे पास प्रेशर दिया हुआ सेकंड वाले का 7.5 बार, तो P2 इक्वल टू 7.5 बार, तो इसको कर दिया 0.75 इंटू 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 इक्वल टू दिया 0.04 मीटर वेस्ट क्यू, तो इसको लिख दिया 0.04 मीटर वेस्ट क्यू V2 इक्वल टू। तो ये हमने गिवन लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके आधार पे जो हमने क्वेश्चन में इस टाइप दिया हुआ है इसी टाइप से हमने इसमें गिवन में लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या है इसको हमने अब निकालना क्या है इसमें, आपको एक चीज तो मालूम होगी, निकालना है हमको इसमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, मतलब निकालना है T2 निकालना है। T2 क्या है, T2 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर आपके गैस, गैस का फाइनल टेम्परेचर निकालना है इसमें। तो फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला इस टाइप से लगाएंगे इसमें, हम गिवन हमारे लिख रहे P1 इक्वल टू 0.1 मीटर वेस्ट क्यू, T1 इक्वल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 प्लस 273 मतलब 293 केल्विन, और P1 इक्वल टू 1.5 बार, तो 0.15 इन 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 इक्वल 7.5 बार, 0.75 इन 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 इक्वल टू 0.4 मीटर वेस्ट क्यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है। निकालना क्या है, T2 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर आपके गैस निकालना है, फार्मूला लगाना है ये वाला गैस इक्वेशन का, दो स्टेज की कंडीशन है इसलिए हम जो कि गैस इक्वेशन आपको मालूम है क्या होती है, ये चीज याद रख लो PV/T होती है गैस इक्वेशन, इसमें दो कंडीशन के लिए लगाना है। तो दो कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। निकालना क्या आपको, T2 निकालना, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसमिट करेंगे तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे P2V2/T1/T1V1। क्या होता है जब इसको चेंज करेंगे तो ये वाला हमारे डिवाइड में पहुंच जाएगा, इसमें इसको हम ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगा, तो इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर पे इस टाइप से आ जाएगा, ये तो सबको मालूम होगा पक्षांतर। तो T2 इक्वल टू P2V2/T2, T1 इक्वल टू P1/P1V1। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें सबको पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी है, ये वाली 0.75 इंटू 10^6, तो यहाँ रख दिया 0.75 इंटू 10^6। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 0.04 है, तो यहाँ पर 0.04 रख दिया। और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है 293 केल्विन, तो 293 रख दिया। अपॉन P1 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 0.15 इंटू 10^6, ये रख दिया 0.15 इंटू 10^6। इंटू V1 की वैल्यू कितनी है, V1 हमारे पास ये दिया हुआ 0.1, तो 0.1 रख दिया। तो हमने क्या किया, इसमें सबको वैल्यू को पुट कर दिया, 0.75 इंटू 10^6 इंटू 0.04 इंटू 293 अपॉन 0.25 इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। जब इसको कैलसी से जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 586 केल्विन। तो ये आ गया टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आ गया 586 केल्विन। इसको अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में फिर से चेंज करना है, तो हमने जब डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज किया था, तो क्या किया था, 273 को एड कर दिया था, 273 को जोड़ दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करना है तो उसको घटाना पड़ेगा, तो 586 में से 273 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 313 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर जो T2 इक्वल टू आ गया वो आ गया 313 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टाइप से हम इसमें फाइनल टेम्परेचर निकाल देते हैं। ये न्यूमेरिकल इस टाइप से आपको करना है सॉल्व।
इस टाइप से आपको जो गैस इक्वेशन जो भी न्यूमेरिकल है इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। बाकी और क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना, गैस इक्वेशन का ये जो हमारे पास आधार है कौन से आधार पे न्यूमेरिकल है, गैस इक्वेशन के आधार पे न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चन में अगर आपको स्टेज अलग अलग कंडीशन दी जाती है, फर्स्ट स्टेज और इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज दो कंडीशन दी जाती है, तो आपको ये पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू के फॉर्म में लिखना है। अगर तीन कंडीशन दी जाती है तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल टू पी थ्री वी थ्री अपॉन टी थ्री, जो हमने पहले फार्मूला बताया था उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कितनी स्टेज पे दी जाती है न्यूमेरिकल, आपको इस टाइप से करना है। जो भी आपको गैस इक्वेशन न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी टाइप से आपको सेम टू सेम कंडीशन में आपको करना है। तो बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे।